नमस्कार, मैं हूं आनंद कुमार। स्वागत है आप सभी लोगों का कंपटीशन कम्युनिटी में। कंपटीशन कम्युनिटी का खास CGPSC और व्यापम के पैटर्न पर आधारित मोबाइल कोर्स लॉन्च हो चुका है। इस मोबाइल कोर्स के माध्यम से आप देश के किसी भी कोने में बैठकर कहीं से भी CGPSC या फिर व्यापम की तैयारी बहुत आसानी से कर सकते हैं। इस मोबाइल कोर्स की खास बात यह है कि इस मोबाइल कोर्स में आपको मिलेंगे CGPSC और व्यापम के पैटर्न पर आधारित 200 से अधिक वीडियो लेक्चर्स। इसके साथ ही यहां आपको मिल रहा है ऑनलाइन स्टडी मटेरियल, वो भी 3000 से अधिक विशाल प्रश्नों के संग्रह के साथ। नमस्कार, मैं हूं आनंद कुमार। स्वागत है आप सभी लोगों का कंपटीशन कम्युनिटी का इस मोबाइल कोर्स में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग इस मोबाइल कोर्स के माध्यम से CGPSC या फिर व्यापम की तैयारी कहीं से भी बैठकर बहुत आसानी से कर सकते हैं। इस मोबाइल कोर्स में मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ छत्तीसगढ़ में पिछले एक साल में जितने भी करेंट इवेंट्स हुए हैं, यानी कि समसामयिक गतिविधियाँ हुई हैं, उन सबको आपको मेरे वीडियोज़ में मिलेंगे। पिछली बार हमने पहला वीडियो डिस्कस किया था, तो थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि हमने पिछले वीडियो में क्या क्या डिस्कस किया था और आगे हम लोग किस तरह से डिस्कस करने वाले हैं। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पूरा जो करेंट अफेयर्स की एक्टिविटीज़ हुई हैं, यानी कि इवेंट्स हुए हैं छत्तीसगढ़ में पिछले एक साल में, उसको हम लोग 7 अध्याय में पढ़ने वाले हैं। 7 अध्याय वो किस प्रकार से होगा, एक बार फिर से आप लोग यहाँ स्क्रीन के बगल में देख सकते हैं। पिछले वीडियो में मैंने पहला अध्याय डिस्कस किया था कि छत्तीसगढ़ में जितनी भी राजनीतिक गतिविधियाँ हुई, यानी कि पॉलिटिकल जितने भी इवेंट्स हुए हैं पिछले एक साल में, चाहे वो विधानसभा चुनाव 2018 हो, चाहे लोकसभा चुनाव 2019 हो, या फिर नगरीय निकाय का जो चुनाव आयोजित होने वाला है उसके बारे में, या फिर जो पंचायत का चुनाव आयोजित होगा उसके बारे में, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और इम्पोर्टेंट डेटा हमने डिस्कस कर लिया था। छत्तीसगढ़ के समसामयिक गतिविधियों में दूसरा अध्याय क्या है, महत्वपूर्ण संवैधानिक, प्रशासनिक और राजनीतिक नियुक्तियाँ। इस अध्याय की इम्पोर्टेंस यह है कि यहाँ से आपको एक प्रश्न पूछे ही जाना है, तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जितने भी अपॉइंटमेंट्स यहाँ पर मैं बताऊँगा, उन सारे अपॉइंटमेंट्स को आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से नोट कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको एक न एक प्रश्न पूछा जाना आवश्यक है, यानी कि पूछा ही जाएगा, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव या फिर पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, इसको मैंने 2 तरीके से यहाँ पर बाइफर्गेट किया है। पहला यहाँ पर आपको मिलेगा कि छत्तीसगढ़ में पिछले एक साल में जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि संवैधानिक नियुक्तियाँ हुई हैं, ये हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और इसके दूसरे पार्ट में छत्तीसगढ़ में पिछले एक साल में जितने भी प्रशासनिक या फिर राजनीतिक नियुक्तियाँ हुई हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। दोनों में फ़र्क क्या है, संवैधानिक नियुक्तियाँ प्रशासनिक और राजनीतिक नियुक्तियाँ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे संविधान में जिन पदों का उल्लेख किया गया है और उन जिन पदों पर यहाँ पर नियुक्ति की गई है उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, और उसके बाद प्रशासनिक और राजनीतिक नियुक्तियाँ। तो सबसे पहले देख लीजिए कि छत्तीसगढ़ में पिछले एक साल में कौन कौन से यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला राज्यपाल, दूसरा मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस, तीसरा महाधिवक्ता, चौथा विधानसभा अध्यक्ष, पांचवा विधानसभा उपाध्यक्ष, छठवां विपक्ष का नेता। ये कॉन्स्टिट्यूशनल अपॉइंटमेंट्स इस साल बहुत न्यूज़ में रहे हैं और बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो इन 7 अपॉइंटमेंट्स को हम लोग यहाँ पर एक एक करके डिस्कस करेंगे। इन 7 अपॉइंटमेंट्स को डिस्कस करने के बाद हम लोग आएंगे प्रशासनिक और राजनीतिक नियुक्तियों पर। तो सबसे पहले चलिए यहाँ से शुरू करते हैं, इसको यहाँ पर मैं एक बार थोड़ा सा मिटा देता हूँ और बाद में जब यहाँ पर आएंगे तो इसको वापस मैं यहाँ पर लिख दूंगा, ठीक। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे राज्यपाल के। तो छत्तीसगढ़ में नया राज्यपाल किन्हें नियुक्त किया गया है, उनका नाम है अनुसुईया उइके। अनुसुईया उइके जो है मध्य प्रदेश के भाजपा की नेता रह चुकी हैं, ये छत्तीसगढ़ के 6वें राज्यपाल के रूप में इन्होंने शपथ लिया। 6वां है तो पहला कौन थे ये भी नाम याद रखिएगा, दिनेश नंदन सहाय। दिनेश नंदन सहाय के बारे में एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पर ये रखिएगा कि ये छत्तीसगढ़ के पहले राज्यपाल थे जिनका हाल ही में बिहार में निधन भी हो गया है, ठीक। यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा और फैक्ट देख लेते हैं। अनुसुईया उइके जो हैं छत्तीसगढ़ के 6वीं राज्यपाल के रूप में नियुक्त की गई हैं। इन्होंने किनका जगह लिया है, इन्होंने बलराम दास टंडन का जगह लिया है जो कि छत्तीसगढ़ के 5वें राज्यपाल थे। अब यहाँ पर आपके मन में एक सवाल आएगा कि बलराम दास टंडन 5वें कैसे हो सकते, इनके बाद तो आनंदीबेन पटेल को राज्यपाल नियुक्त किया गया था। तो आनंदीबेन पटेल को बलराम दास टंडन जी के निधन के बाद जो है कार्यवाहक के रूप में नियुक्त किया गया था, इसीलिए इस क्रम में आनंदीबेन पटेल को यहाँ पर नहीं जोड़ा जाएगा। अब यहाँ पर चूंकि आनंदीबेन पटेल जो है छत्तीसगढ़ की राज्यपाल रह चुकी हैं, तो उनके बारे में भी एक न्यूज़ अपडेट कर लीजिए। आनंदीबेन पटेल को
आनंदीबेन पटेल को जो है उत्तर प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर संवैधानिक प्रावधान देख लीजिए। हमारे संविधान में 152 से लेकर 162 तक के जो अनुच्छेद है उसमें राज्यपाल की व्याख्या की गई है, और राज्यपाल की जो नियुक्ति है अनुच्छेद 155 के तहत होता है। जब हम लोग राज्यपाल से ही रिलेटेड बात कर रहे हैं तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ और अपडेट कीजिएगा। रायपुर के 7 बार सांसद रह चुके रमेश बैस को जो है वो त्रिपुरा का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि रमेश बैस छत्तीसगढ़ से हैं और छत्तीसगढ़ के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है राज्य गठन के बाद। तो इसलिए रमेश बैस के बारे में याद रखिएगा कि उन्हें त्रिपुरा का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हो जाता है वो है छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का नया मुख्य न्यायाधीश। चलिए इसके बारे में भी देखते हैं। तो किन्हें छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का अगला न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? रामचंद्र मेनन को। ये छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के 13वें मुख्य न्यायाधीश हैं, ध्यान रखिएगा, इस तरह से भी प्रश्न बनते हैं। ठीक है, 12वें मुख्य न्यायाधीश कौन थे? 12वें मुख्य न्यायाधीश थे अजय कुमार त्रिपाठी। इन्होंने लोकपाल में नियुक्ति के बाद अपना इस्तीफा दे दिया था, इसीलिए रामचंद्र मेनन को जो है छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का 13वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। संवैधानिक प्रावधान क्या कहता है इसके बाद हम लोग छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की जो वर्तमान स्थिति है वो भी देख लेंगे। संवैधानिक प्रावधान क्या कहता है? तो संवैधानिक प्रावधान ये कहता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 214 से लेकर 232 तक जो है उच्च न्यायालय से संबंधित यहाँ पर प्रावधान किए गए हैं, और इसके अलावा इसमें जो न्यायाधीशों की नियुक्ति है वो अनुच्छेद 217 में उल्लेखित किया गया है। इसके अलावा समझिएगा वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में यानी कि बिलासपुर हाईकोर्ट में कुल न्यायाधीशों की संख्या 14 है मुख्य न्यायाधीश को जोड़कर, और महिला न्यायाधीशों की संख्या भी याद रखिएगा वर्तमान समय में उच्चतम न्यायालय में यानी कि बिलासपुर हाईकोर्ट में महिला न्यायाधीशों की संख्या 2 है। ठीक है, एक नाम और याद रखिएगा, प्रशांत कुमार मिश्रा। प्रशांत कुमार मिश्रा का नाम आप लोगों को इसलिए याद रखना है कि जब अजय कुमार त्रिपाठी ने यहाँ पर अपना इस्तीफा दिया था तो उस समय कार्यवाहक न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए गए थे प्रशांत कुमार मिश्रा, और प्रशांत कुमार मिश्रा पहले एक ऐसे छत्तीसगढ़ के व्यक्ति हैं जिन्हें छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त किया गया था। हालांकि कार्यवाहक ही किया गया था, पर पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त किया गया। तो ध्यान रखिएगा वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? रामचंद्र मेनन, और ये कहाँ से आए हैं? इससे पूर्व ये केरल हाईकोर्ट में न्यायाधीश के तौर पर कार्यरत थे। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में महाधिवक्ता किन्हें नियुक्त किया गया है और क्या कहता है संवैधानिक प्रावधान। तो किन्हें छत्तीसगढ़ का नया महाधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट नियुक्त किया गया है? सतीश चंद्र वर्मा, याद रखिएगा नाम इम्पॉर्टेंट है, सतीश चंद्र वर्मा, और ये बहुत विवादों में भी रहे थे, इसलिए जो है ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किन्हें जो है वो महाधिवक्ता नियुक्त किया गया है। तो सतीश चंद्र वर्मा को एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट नियुक्त किया गया है। संवैधानिक प्रावधान क्या कहता है? तो अनुच्छेद 165 में जो है वो महाधिवक्ता का प्रावधान किया गया है राज्यों के लिए, और केंद्र सरकार के लिए क्या होता है? केंद्र सरकार के लिए महान्यायवादी यह पद कहलाता है यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, और उसका प्रावधान जो है कौन से अनुच्छेद में किया गया है? उसका प्रावधान जो है संविधान का अनुच्छेद 76 में किया गया है। ठीक है, जो छत्तीसगढ़ के नए महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा को नियुक्त किया गया है, तो इससे पहले कौन थे? इससे पहले थे कनक तिवारी। यहाँ पर मैं इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न भी बता दे रहा हूँ ताकि अगर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन नाम ना पूछकर अगर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न पूछा जाता है तो यहाँ पर भी आपसे क्वेश्चन बनना चाहिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स कौन सा है? विधानसभा अध्यक्ष। कैबिनेट जो छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था उसके बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था, तो इसीलिए कैबिनेट का यहाँ पर जिक्र नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि विधानसभा अध्यक्ष जो है किन्हें नियुक्त किया गया है और जिन्हें नियुक्त किया गया है वो कौन है, और इसके अलावा हम यहाँ पर इससे संबंधित कुछ संवैधानिक प्रावधान भी देखते हैं। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा का अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? चरणदास महंत जो हैं शक्ति विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और ये विजयी होकर जो हैं विधानसभा पहुंचे हैं। विधानसभा अध्यक्ष का संवैधानिक प्रावधान क्या कहता है? विधानसभा अध्यक्ष का संवैधानिक प्रावधान का उल्लेख अनुच्छेद 178 में किया गया है, और अध्यक्ष के साथ ही यहाँ पर उपाध्यक्ष का भी उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो उपाध्यक्ष किन को नियुक्त किया गया है? मनोज
मंडावी उनका नाम है और ये भानु प्रतापपुर से जो हैं वो विधायक हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। दो नाम याद रखिएगा, विधानसभा अध्यक्ष कौन है, चरण दास महंत, उपाध्यक्ष कौन है, मनोज मंडावी, और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या कहता है, अनुच्छेद 178 में इसका उल्लेख है। इसके बाद हो गया विधानसभा अध्यक्ष और विधानसभा उपाध्यक्ष। अब यहाँ पर हम लोग विपक्ष के नेता की बात करते हैं कि हमारे विधानसभा में विपक्ष का नेता किन्हें नियुक्त किया गया है, तो वो नियुक्त किया गया है धरमलाल कौशिक को, ठीक है। ये भाजपा के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं, धरमलाल कौशिक, और ये बिल्हा से विधायक हैं। बिल्हा बिलासपुर जिले के अंतर्गत में आता है, यहाँ से ये विधायक है, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पर विधानसभा में विपक्ष के नेता के बारे में। तो ये टोटल छत्तीसगढ़ में 2019 के कॉन्स्टिट्यूशनल अपॉइंटमेंट्स थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अधिक तक संभावना है कि यहाँ से प्रश्न पूछे ही जाए। अब ये हो गया पहला पार्ट। अब इसके दूसरे पार्ट में हम लोग देखते हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा इस साल कितने एडमिनिस्ट्रेटिव या फिर पॉलिटिकल या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव अपॉइंटमेंट्स किए गए हैं। जैसा कि मैंने बताया ना कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है, आप लोगों से यहाँ से प्रश्न हर साल, अगर पिछले साल का मैंने पेपर का एनालिसिस किया तो हर साल एक ना एक क्वेश्चन जो है इस तरह के अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो जितने भी इस साल के अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, जो इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल हो या एडमिनिस्ट्रेटिव हो या फिर पॉलिटिकल हो, वो सारा मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए अब आगे यहाँ पर देखते हैं कि किस तरह से छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा एडमिनिस्ट्रेटिव या फिर पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स किए गए हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव अपॉइंटमेंट, जिसमें सबसे पहला नंबर आता है मुख्य सचिव। हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा आरपी मंडल को छत्तीसगढ़ का 12वां मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। इन्होंने किनका जगह लिया है, सुनील कुजूर का जगह लिया है। इसके बाद नंबर आ जाता है योजना आयोग उपाध्यक्ष का। तो हाल ही में योजना आयोग का उपाध्यक्ष छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किसे नियुक्त किया गया है, अजय सिंह को। नाम याद रखते रहिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये पूर्व में छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव भी रह चुके हैं, ध्यान रखिएगा। इसके बाद नंबर आ जाता है पुलिस महानिदेशक का। तो छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा पुलिस महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है, पुलिस महानिदेशक मार्च 2019 में नियुक्त किया गया है डीएम अवस्थी को, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद नंबर आता है अनुसूचित जाति विकास परिषद। ये नवगठित परिषद है और इसका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को, ठीक, याद रखिएगा। इसके बाद नंबर आ जाता है विधानसभा प्रमुख सचिव। तो विधानसभा प्रमुख सचिव किन्हें नियुक्त किया गया है, चंद्रशेखर गंगराड़े, ठीक। इसके बाद नंबर आ जाता है राष्ट्रीय महिला आयोग। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है। हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग की तरफ से हर्षिता पांडे को, ये छत्तीसगढ़ की रहने वाली है इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है हर्षिता पांडे, इनको जो है राष्ट्रीय महिला आयोग में सदस्य के तौर पर नियुक्त किया गया है। और राज्य गठन के बाद ये छत्तीसगढ़ की पहली महिला हैं जिन्हें राष्ट्रीय महिला आयोग में सदस्य के तौर पर नियुक्त किया गया है। बिलासपुर की रहने वाली हैं हर्षिता पांडे, रिपीट कर रहा हूँ इसलिए नाम ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट नंबर आ जाता है छत्तीसगढ़ क्रिकेट एसोसिएशन का। तो छत्तीसगढ़ क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रभतेज सिंह भाटिया को BCCI का काउंसलर नियुक्त किया गया है। BCCI में काउंसलर नियुक्त होने वाले प्रभतेज सिंह भाटिया सबसे युवा है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और प्रभतेज सिंह भाटिया का BCCI काउंसलर नियुक्त होने के बाद छत्तीसगढ़ क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है, तो इनके अपॉइंटमेंट्स के बाद छत्तीसगढ़ क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, उनका नाम आप लोग लिख लीजिएगा, जुबिन शाह, ठीक है, जुबिन शाह। ये वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट हैं, जिनको हाल ही में अपॉइंट किया गया है। इसके बाद नंबर आ जाता है छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ। छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है हमारे राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को, ठीक है।
इतने अपॉइंटमेंट्स, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स देखते हैं और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि राज्य सरकार द्वारा कुछ इंपॉर्टेंट कमेटी या फिर आयोग का गठन किया गया है और किन की अध्यक्षता में किया गया है, किन्हें नियुक्त किया गया है, उन सभी को भी हम लोग यहाँ पर देखते हैं। चलिए अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट आयोग या फिर समिति का गठन किन की अध्यक्षता में किया गया है। सबसे पहला आता है छबीलाल आयोग। छबीलाल पटेल की अध्यक्षता में यहाँ पर एक आयोग का गठन छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किया गया है, जो कि इस साल के अपॉइंटमेंट में से सबसे इंपॉर्टेंट में से एक बन जाता है। आप लोगों को पता है कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा रिजर्वेशन जो है 58% से बढ़ाकर 82% कर दिया गया था। उसके बाद सवाल उठने लगे थे, हाई कोर्ट की तरफ से भी सवाल उठाया गया कि जब आपके पास में ओबीसी यानी कि अदर बैकवर्ड क्लास का आपके पास में कितनी जनसंख्या है उसका सटीक आंकड़ा ही नहीं है, तो आप किस आधार पर जो है यहाँ पर रिजर्वेशन दे रहे हैं। इसके अलावा अदर बैकवर्ड क्लास की कितनी पॉपुलेशन छत्तीसगढ़ में आती है ये भी एक सही आंकड़ा नहीं है। तो छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा ओबीसी यानी कि अदर बैकवर्ड क्लास, इसके अलावा आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लोगों की जनसंख्या कितनी है उसी की समीक्षा के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने छबीलाल पटेल की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया है, जिसका नाम है छबीलाल पटेल आयोग, जो कि आरक्षण पर आधारित है, ध्यान रखिएगा। और इनका समय है कि 6 महीने में इन्हें अपनी रिपोर्ट जो है वो सरकार को सौंपना है। इसके बाद सेकेंड इम्पॉर्टेंट यहाँ पर समिति गठित की गई शराबबंदी को लेकर। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा यहाँ पर शराबबंदी को लेकर एक समिति का गठन किया गया। तीन तरह से इसमें समिति गठित की गई, पहला पॉलिटिकल कमेटी, दूसरा प्रशासनिक समिति और तीसरा जो है सामाजिक समिति। तो यहाँ पर मेन जो सबसे इम्पॉर्टेंट है पॉलिटिकल कमेटी यानी कि राजनीतिक कमेटी, इसमें टोटल 9 सदस्यों की एक समिति बनाई गई जिसके अध्यक्ष सत्यनारायण शर्मा हैं। यहाँ पर 2 क्वेश्चन बनता है आप लोगों से, शराबबंदी की समीक्षा के लिए कुल कितनी समितियों का गठन किया गया, तो 3 समिति, राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक। अब यहाँ पर शराबबंदी से संबंधित जो राजनीतिक समिति बनाई गई है जो समीक्षा करेगा, उसके लिए 9 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है सत्यनारायण शर्मा की अध्यक्षता में। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट है छत्तीसगढ़ पत्रकार सुरक्षा कानून। इस पत्रकार सुरक्षा कानून को लागू करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा एक समिति का गठन किया गया। किनकी अध्यक्षता में गठित किया गया? सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश आफताब आलम की अध्यक्षता में यहाँ पर एक कमेटी का गठन किया गया था, जो पता लगाएगा और यहाँ पर प्रारूप तैयार करेगा कि छत्तीसगढ़ में पत्रकार सुरक्षा कानून किस तरह से लागू होगा। छत्तीसगढ़ सरकार का दावा है कि अगर ये पत्रकार सुरक्षा कानून लागू होता है तो छत्तीसगढ़ जो है पूरे देश में इस तरह से पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने वाला पहला राज्य हो जाएगा। तो याद रखिएगा, आफताब आलम की अध्यक्षता में जो है एक समिति का गठन किया गया था इस कानून पर प्रारूप तैयार करने के लिए। इसके बाद नंबर आ जाता है भीमा मांडवी हत्या जाँच समिति। आप लोगों को पता है कि भाजपा के विधायक भीमा मांडवी, जो कि दंतेवाड़ा से विधायक थे, उनका एक नक्सली हमले में हत्या हो जाता है। उस हत्या की जांच के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा एक समिति का गठन किया जाता है पूर्व सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश सतीश कुमार अग्निहोत्री की अध्यक्षता में। नाम याद रखिएगा, सतीश कुमार अग्निहोत्री। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर एक समिति आदिवासियों के विरुद्ध दर्ज प्रकरणों की समीक्षा हेतु, यानी कि आदिवासियों के खिलाफ जितने भी पुलिस स्टेशन या फिर कहीं भी जो भी मामले दर्ज हैं उनकी समीक्षा हेतु एक समिति का गठन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। किनकी अध्यक्षता में? एके पटनायक, ये भी सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं। तो ये सब जितने भी आयोग या फिर कमेटी का नाम बताया उनके अध्यक्ष का नाम आप लोग याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट हो सकता है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके अलावा कुछ 2-4 और अपॉइंटमेंट्स यहाँ पर बच जाते हैं, उसको भी हम लोग फटाफट देख लेते हैं, वो भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर लास्ट में 2 इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स बच जाते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम को नियुक्त किया गया है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं मोहन मरकाम, आदिवासियों के एक प्रमुख चेहरा के रूप में भी जाने जाते हैं। और ये जगह किनकल या खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, जो कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष थे, उन्हीं के जगह पे मोहन मरकाम को अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया गया। छत्तीसगढ़ प्रदेश भाजपा अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? विक्रम उसेंदी को नियुक्त किया गया है, भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं और इन्होंने जगह लिया है किसका, जो अभी विधानसभा के
विपक्ष के नेता हैं धर्मलाल कौशिक, उन्हीं के जगह पे जो है विक्रम उसेंडी को जो है भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। तो ये सारे इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स थे 2019 के, चाहे आप कॉन्स्टिट्यूशनल अपॉइंटमेंट्स ले लो या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव अपॉइंटमेंट्स या फिर कह लो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स या फिर कुछ कमेटी या आयोग का गठन किया गया, तो किन की अध्यक्षता में किया गया, ये सारी बातों को ध्यान रखिएगा। यहाँ पर और भी कुछ अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, लेकिन मैंने जितने अपॉइंटमेंट्स आप लोगों को यहाँ पर बताया है पिछले 7-8 साल का क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करने के बाद, अपने एक्सपीरियंस के आधार पर आप लोगों को इतने अपॉइंटमेंट्स मैंने बताया है, ये सारे अपॉइंटमेंट्स को आप लोग ध्यान से कर जाइएगा। अगर प्रश्न पूछे जाते हैं अपॉइंटमेंट्स से रिलेटेड, जो कि हर साल एक न एक पूछे जाते हैं, बहुत अधिक तक संभावना है कि आपको यहीं से एक क्वेश्चन बनेगा, तो सबके बारे में यहाँ पर अच्छे से पढ़कर जाइएगा। आज मैं जब ये वीडियो बना रहा हूँ तो ये सारे अपॉइंटमेंट्स मैंने एक साल के कवर करवाए हैं। इसके अलावा अगर आज के बाद किसी तरह से कोई छत्तीसगढ़ में नया अपॉइंटमेंट्स होता है जो कि इम्पॉर्टेंट होता है, तो वो मैं आपको जो यूट्यूब पर जो हमारा वीकली छत्तीसगढ़ का करेंट अफेयर आता है वहाँ अपडेट करवाते चलूँगा, तो उस वीडियो से अपडेट रहिएगा। अगर कुछ नए अपॉइंटमेंट्स होते हैं या फिर कुछ छूट जाते हैं तो वहाँ मैं आप लोगों को ज़रूर अपडेट करवा दूंगा, ठीक है। तो ये आज का हमारा दूसरा अध्याय कंप्लीट हुआ। तीसरे अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा पिछले एक साल में जितने भी महत्वपूर्ण घोषणाएं या फिर फैसले लिए गए हैं उन सब के बारे में हम लोग जानेंगे। तो एक बार फिर से कहता हूं कि अगर आप लोग घर बैठे CGPSC की तैयारी व्यापक रूप से करना चाहते हैं तो हमारे मोबाइल कोर्स को परचेस करें। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें competitioncommunity.com या फिर आप हमें इन दिए गए नंबर्स पर कॉल भी कर सकते हैं। फिलहाल इजाजत दीजिए, फिर देर किस बात की। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.competitioncommunity.com। इसके अलावा इस मोबाइल कोर्स से जुड़ी और अधिक जानकारी के लिए आप हमें इन दिए गए नंबर्स पर कॉल भी कर सकते हैं। और हाँ, इसके अलावा आप एक डेट और सेट कीजिए, 22 दिसंबर 2019। इस दिन से लॉन्च होने वाला है FTR यानी कि फास्ट ट्रैक रिविजन कोर्स हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, दोस्तों तक शेयर करें और हमारे वीडियोज को लाइक करें।